नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपका एआई एंकर निष्पक्ष। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गाजीपुर की खबरों से। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में बहस पूरी हो गई। एमपी एमएलए कोर्ट 22 अगस्त को इस मामले में निर्णय दे सकती है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक केस फाइल को सुरक्षित कर लिया है। मुझे आज जो है मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर का मामला था, थाना करंडा का, 2010 का था। इसमें जो है मुख्तार अंसारी के मुकदमे में अभियोजन की तरफ से बहस शुरू हुई। सरकारी अधिवक्ता महोदय ने बहस किया, उसके बाद डिफेंस की तरफ से जो है बचाव पक्ष की तरफ से भी हम लोगों की तरफ से बहस पूरी की। झांसी के महेवा में रहने वाला युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि युवक दवाई लेकर वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। उसी दौरान बस स्टैंड के पास किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? अच्छा जी, बताइए क्या घटना घटी है? लगदानी पर दबाव रेलवे हाईकी मूंगफली के लिए बीचना से और 7 बजे के लगभग घर लौट आए थे, सो किसी बारे में आप जाना टक्कर मारे। हाथरस में आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह पर बागला इंटर कॉलेज से तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। तिरंगा यात्रा रैली का समापन कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। तिरंगा यात्रा रैली के समापन के अवसर पर डीएम अर्चना वर्मा ने कहा कि 15 अगस्त को अपने घरों पर राष्ट्रीय झंडा फहराना हमारे सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वाराणसी के लिए पहली उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से शुरू की गई इस सेवा से मात्र 55 मिनट में वाराणसी और लखनऊ के बीच के सफर को पूरा किया जा सकेगा। लखनऊ में आईएमआईएम जिला सचिव के नेतृत्व में बैनर लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल हरियाणा में हुई हिंसा और एक तरफा बुलडोजर कार्रवाई पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह प्रोटेस्ट किया। सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। हरदोई के बीआरसी कार्यालय में तैनात बाबू का पैसे लेते वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऑडिट के नाम पर सभी स्कूलों से वसूली करने की बात सामने आई है। वहीं वीडियो को देखने के बाद बीओ ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। महाराजगंज में शिव मंदिर दर्शन करने जा रही श्रद्धालुओं से भरी ऑटो पलट गई। ऑटो पलटने से उसमें सवार 8 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां सभी लोगों का इलाज चल रहा है। झांसी के ग्रासलैंड में ढाबे के संचालक पर अपने यहां काम करने वाले युवक को नकली नोट देने का आरोप लगा है। युवक का कहना है कि वो ढाबे में रोटी बनाने का काम करता है। जब युवक ने अपनी पगार ढाबा मालिक से मांगा तो उसने 500 का नकली नोट उसे दे दिया। मैं होटल से ले आया भाई साहब। किसने दिया है? मेरे को पप्पे ढाबे वाले ने दिया। पर भाई अभी हल दिया मेरे को 2 बजे। किस उस पे दिया है, क्या है, आप क्या करते हैं वहाँ? मैं काम करता हूँ, रोटी बनाता हूँ साहब। तो ये नोट आपको क्यों दिया गया? मेरे को नहीं मालूम, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं है साहब। फिर आपको कैसे पता चला ये नकली है? अब नकली मैंने ऐसे बिरयानी वाले को दिया, उसने बताया। मऊ में रोज गार्डन के पास एक तेज रफ्तार से आ रही बस ने स्कूल के बच्चों से भरी ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर में बच्चों से भरी ऑटो सड़क पर पलट गई। ऑटो के पलटने से बच्चों में चीख पुकार मच गई। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया है। लखनऊ की जनता ट्रैफिक जाम से परेशान है। लखनऊ के हजरतगंज में दैनिक जागरण चौराहे पर भीषण जाम लग गया। आरोप है कि यह सारा जाम होटलों के बाहर अवैध तरह से गाड़ियों के पार्किंग की वजह से लग रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस या प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। आए दिन जाम लगने से लोगों को काफी दिक्कत होती है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।
देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।